सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आपका आज की ब्रेकिंग न्यूज वाली वीडियो में। तो आज की बड़ी न्यूज है दो बड़ी रिलीज के बारे में, जिसमें पहली है मनी हाइस्ट का अंतिम पार्ट जो 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 3 दिसंबर आ चुकी है लेकिन नेटफ्लिक्स पे मनी हाइस्ट का कोई नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। मतलब इसके सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का एपिसोड 6 से लेके 10 तक, जो आज सबको हार्ट अटैक देने आ रहे हैं, खासकर इंडियन ऑडियंस को जो इमोशनली मनी हाइस्ट के सारे कैरेक्टर्स के साथ फैमिली की तरह अटैच हो चुके हैं। और मैं तो कहूंगा कि फैमिली से भी बढ़के अटैच हो चुके हैं। और दूसरी है पुलिस वाली बड़ी हिंदी मूवी सूर्यवंशी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुको और सुनो कि मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर साहब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। मुझे कोई काम है? आप यूट्यूब देखते हो क्या? लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। आई एम सॉरी, पर मैं समझा नहीं कि मैं तुम्हारी दोस्त या भाई या वो जो भी है उनके लिए क्या कर सकता हूँ। सब्सक्राइब। वो आप उनके भाई माफिक है, मुझे माफ करना, पर मैं प्रोफेसर अब ये बंदा ना एकदम धासू। मुझको प्लीज, हमारा पहला ही नियम था कि कोई पर्सन सवाल नहीं पूछेगा, तो प्लीज ये सब। नहीं नहीं, ये अपन का दोस्त है तो बहुत बढ़िया वीडियो बनाता है, वेब सीरीज मूवीज सबकी इन्फॉर्मेशन देता है, टॉप 10 लिस्ट बाकी सब मूवीज के बारे में बताता है। और अब वो 5 साल से काम कर रहा है। 5 साल प्रोफेसर। जिसमें पहली है पुलिस वाली बड़ी हिंदी मूवी सूर्यवंशी, जिसकी OTT रिलीज फिक्स तो हो चुकी थी कि नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होगी, लेकिन डेट कभी भी अनाउंस नहीं की गई, ना तो इसके मेकर्स की ओर से और ना ही नेटफ्लिक्स की ओर से। और जैसा लग रहा था उससे भी ज्यादा बुरा किया इन्होंने बहुत से यूट्यूबर्स के साथ और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर कर, क्योंकि अगर इसकी रिलीज डेट 3-4 दिन पहले कन्फर्म कर दी जाती तो सबने इसकी OTT रिलीज की कन्फर्मेशन देके ज्यादा व्यूज बटोरने थे। लेकिन जैसे विदेश में घर का बेटा जाता है और कई साल बाद अचानक से दरवाजे पे खड़ा हो जाता है तो घर वालों को खुशी वाला शौक लगता है, और वैसा ही कुछ आज नेटफ्लिक्स वालों ने किया इंडियन ऑडियंस के साथ। इंडियन ऑडियंस तो मनी हाइस्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने उसकी बजाय बिन बुलाए मेहमान की तरह सूर्यवंशी सामने रख दी। जी हाँ, आज जल्दी सुबह ही सूर्यवंशी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है। तो मनी हाइस्ट के पहले अगर आप फ्री हो तो सूर्यवंशी मूवी देख सकते हो वार्म अप होने के लिए, क्योंकि मनी हाइस्ट को आज काफ़ी देर लगने वाली है। इसके एपिसोड 6 से 10 तक आज दोपहर इंडियन टाइम से 12:30 या 1:30 बजे के करीब आने वाले हैं, और ज़्यादा तो यही लग रहा है कि इससे भी 10-15 मिनट लेट हो सकती है, क्योंकि एक तो लोग पहले ही सूर्यवंशी देख रहे होंगे नेटफ्लिक्स पे, और ऊपर से मनी हाइस्ट के फैंस की आर्मी ने अटैक कर देना है 12:30 बजे, तो पक्का है कि नेटफ्लिक्स इतना बड़ा अटैक नहीं झेल पाएगा, तो उसको संभलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चिंता नॉट, जस्ट रिलैक्स। और अगर ये दोनों आपको ढूंढने पर भी नहीं मिल रही हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM या PM जो भी करना है जल्दी से कर देना, मैं आपको मैसेज में इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। और बाकी अगर आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ अच्छी लगी और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आगे भी ऐसी अपडेट्स आप देख सकें और कोई भी मूवी या सीरीज आपसे मिस ना हो जाए। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि हमने 30,000 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं और जल्दी ही हम 1,00,000 पे भी पहुंच जाएंगे। अगर आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलती रही, अपनी फेसबुक ID पे भी शेयर कर सकते हैं, ताजो आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।